दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों आज सातवां दिन है कथा स्थल पर और मेरे जस्ट पीछे गाड़ियों की कतार होगी, जहाँ भी नज़र जाएंगे वहाँ गाड़ी गाड़ी है। आज सातवां दिन है और आज समापन है, सुबह से 9 से 12 का कथा है और उसके बाद भंडारा होगा। तो धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, मैं आगे का कैमरा लगाने के बाद आपको यहाँ के आसपास के भी बताऊँगा और भीड़ बताऊँगा आपको। दोस्तों आप भीड़ देख रहे होंगे और महाराज की कथा चली रही है यहाँ पर और अभी भीड़ कम है, कल बहुत भीड़ थी यहाँ तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। दोस्तों आप देखिए यहाँ की भीड़ बहुत तेज है, यहाँ पर खिलौना वगैरह पकड़ा है और
चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है, कह नहीं सकते कितनी पब्लिक है, लाखों की तादाद में पब्लिक है।
पब्लिक ने गरमा टूट लो दोस्तों, कथा हुई, समापन हुआ है कथा का और अब भीड़ एक साथ ही छूटेगी। क्योंकि बरसात का मौसम था, चारों ओर भयंकर बारिश चल रही थी, मौसम के हिसाब से इतने बड़े आयोजन हेतु स्थान का चुनाव करना भी अपने आप में एक चुनौती थी। इस स्थान का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया, उसके बाद यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के आवक मन की सूचना और भी हरे काले चुनाव परंतु करने वाले श्री भगवान हो एवं गुरुदेव का आशीर्वाद हो तो सारे कार्य निर्विघ्न होते चले जाते। कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया जो आज इतना ऐतिहासिक अभूतपूर्व सफल आयोजन संपन्न हो सका। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, PWD, PSC, विद्युत विभाग, हमारे टैंक की टीम, जनपद सरपंच, सेक्रेटरी, हमारे पत्रकार बंधु, जिससे जो सहयोग हुआ पूरे मन से कार्यक्रम को मूर्त रूप देने की प्रदान किया। कहते हैं जब सत्या जो सेतु का निर्माण